देश में अभी मौजूदा हालात हैं, एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए इंडिया, लोगों का मकसद क्या होना चाहिए? लोग कैसे नई सरकार को चुने, किस आधार पर चुने? लोगों के साथ, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, लोगों से एक बुद्धिजीवी के नाते आपसे पूछा जाए तो लोग किस मत पर लोगों को नई सरकार चुनने का अधिकार है? देखिए, लोगों के का जो भागीदारी है, हमने 75 साल हो गए इस आज़ादी को और आज भी हम लोग देखिए कि ज़िंदगी अपने कश्मकश में ही जी रहे हैं। तो हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा आने वाला कल जो पॉलिटिशियन अच्छा दे सकता है, अब हमें उन्हीं लोगों को चुनना है जो आगे राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति के रूप में देना चाहते हैं, जिसके लिए प्रयासरत है। अभी हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके हमें ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रखे, जो भारत का नाम ऊंचा रखे। महागठबंधन, मतलब बिहार में ये देखा जा रहा है गठबंधन का दौर चल रहा है, लोग कई तरह कयास लगा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बिहार के लोग किसे किधर जाएंगे? बिहार के लोगों के लिए मुद्दा क्या होना चाहिए देखिए लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र की बात है ना। अगर हम तमाशा करने वाले या उस तरह के लोगों को चुनेंगे जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग एक भीड़ इकट्ठा करने वालों को नेता मान लेते हैं, जबकि नेता वैसा होना चाहिए जिसमें वो क्वालिटी हो कि आपकी बातों, आपके प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन खोजे, ना कि भीड़ जुटाने वाले कलाकार को आप मैंने अपना नेता मान लेते हैं। तो जनता को ये डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए कौन हमारा नेता है जो हमारी बातों को, हमारे पक्षों को मजबूती से रखता है। बिहार में किन लोगों पर आपको ये उम्मीदें देखिए, दिख रही बिहार हैं? में अभी जो नए चेहरे हैं उसमें मुझे एक टीम वर्क, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब ये पॉलिटिक्स, एक दूसरे को ब्लेम करने की पॉलिटिक्स को छोड़ के, अगर बिहार एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम दिखाए जहाँ यंग लोगों की नई एंट्री हो और वो लोग मिलके एक नई सरकार बनाए जो सिर्फ बिहार के बारे में सोचे, बिहार को विश्व के पटल पे लेके जाए, अब शायद इस तरह के पॉजिटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। नेगेटिव पॉलिटिक्स का दौर को ख़त्म करना है और ये ख़त्म होगा तभी पॉजिटिव पॉलिटिक्स आगे आएगी, और मैं हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मान रख रहा हूँ और हमेशा ये बात करता हूँ कि अब ये नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ के पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए, और जनता को भी समझना होगा कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्या है और नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या है। बिहार में मतलब जो पिछले दफ़े 2019 जो हुई थी, 19 में जो लोग जो पार्टी सीट जीत कर गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो पार्टी जिनको जो मत आया था, क्या वैसे ही चीज़ें रहेंगी या बिहार में फिर कुछ अलग होने वाला है? आप खुद देखिए कि बिहार में आजकल के पॉलिटिक्स में जो विषय आ रहे हैं, उस विषय में बिहार को लेकर आगे बढ़ने की बात कम और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करें, जनता जागे और वैसे लोगों को चुने जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स में मैंने बिलीव करते हैं, जिससे हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।